राम जी, आप ये गाड़ी चला रहे थे, कैसे हुआ ये हादसा ये बताएं। ये झटका आया था मेरे को, महसूस हुआ था मैंने गाड़ी वो वहाँ पे ठेठ ऐसे पीछे, फिर ठीक है नहीं, फिर मैंने गाड़ी कंट्रोल कर ली एकदम। सिर्फ 4 किलोमीटर हुआ है ब्रेकिंग। कितने डब्बे उतरे फिर पटरी से? 10 डब्बे। आपने ये जब कर लिया, जब ये हादसा हुआ, क्या वजह मानते आप, किस वजह से हुआ होगा ये? अब ये क्या वजह माना, अब इसकी तो वो जांच होगी जब मालूम चलेगा। कोई पटरी टूटी हुई मिली थी आपको, कोई फ्रैक्चर? नहीं, मैं तो मेरी तो नहीं, आपको क्या लगता है कोई फ्रैक्चर हो सकता है इसमें? हाँ, झटका जरूर आया था मेरे को, झटका जरूर आया जब महसूस। कितने यात्री हो सकते हैं इस ट्रेन में इस वक्त? इसमें तो 24 कोच है, क्या 24 कोच है, ये हादसा बच गया। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोनिका पुरोहित। से आ रहे थे आप जोधपुर? कैसा लगा आपको जब ये हादसा हुआ, कैसी जानकारी मिली आपको? वहाँ से निकले तब तो अच्छा लगा, लेकिन जब से ये हुआ है तब से हालत बहुत खराब है, और यहाँ पे सर्दी इतनी है कि खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। आपको कैसे पता चला जब ये हादसा हुआ तक? ट्रेन में एकदम से झटका लगा, पर उन्होंने उस वक्त सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब जाना भी मुश्किल लग रहा है वहाँ पे जैसलमेर में। करीब 11:15 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई रेल है जो कि डिरेल हो गई है। सूचना पर तुरंत ही SHO को, कंसर्निंग SHO को, CO को और अपने एडिशनल SP साहब को भेजने के पश्चात मैं और कलेक्टर साहब तुरंत मौके पर आ गए हैं। और यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, इस समय ना तो कोई कैजुअल्टी हुई है और ना ही कोई इंजरी हुई है थैंकफुली। और इसके अलावा यहाँ पर जो पैसेंजर बचे हुए हैं उनको ले जाने के लिए पूरी माकूल व्यवस्था की जा रही है। जो 4x4 गाड़ियाँ हैं उनको लगाया गया, बसें लगाई गई हैं, और इसके अलावा रेलवे की खुद की बोगियाँ आ रही हैं जिनसे इनको ले जाया जाएगा। हाँ, 11:15 बज गई थी, बस ये यहाँ से निकली है हमीरा से और यहाँ तक पहुँची, और एकदम से खड़खड़ाहट होने लग गई बहुत तेजी से। बस यही है कि डिब्बे हिले नहीं, लेकिन बहुत तेज खड़खड़ाहट चल रही थी, और फिर अचानक धीरे धीरे करके ब्रेक मारा और मतलब उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी बिल्कुल सेफली खड़ी हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई डिब्बा विब्बा पलटा वल्टा नहीं। यहाँ ट्रैक डैमेज हो गया है जिसके कारण इसके रानीखेत एक्सप्रेस के डब्बे कुछ डिरेलमेंट हो गया, उनका कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और हम मौके पर हैं और पूरी छानबीन कर ली है। ये जो यात्री बच गए हैं इसमें उनको सुरक्षित रूप से जैसलमेर पहुंचा जा रहा है। किस प्राथमिक तौर पर क्या देखा जा रहा है, क्या वजह रही इस? ये एक्सीडेंटल केस है वैसे समझे। किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं आप पैसेंजर? गाड़ियाँ भी, रोडवेज की बसें भी लगाए रहे हैं, और वैसे 4x4 जो जीपे हैं वो भी लगा रहे हैं, और रेलवे से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई बोगी यहाँ पर ला करके उनको ट्रांसपोर्टेशन कर ले।